पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। 29 मई को सिद्धू को पंजाब के मनसा में गोली मार दी गई थी। गोली लगने के बाद सिद्धू को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। हाल ही में उनका आखिरी गाना लेवल्स रिलीज हुआ था, लेकिन उनका एक और गाना अब वायरल हो रहा है। सिद्धू मूसेवाला ने 2 हफ्ते पहले अपना नया गाना द लास्ट राइड रिलीज किया था। इस गाने को सुनकर लगता है कि मूसेवाला को अपनी किस्मत के बारे में पहले से ही पता था। इस गाने को उन्होंने म्यूजिक कंपोजर वजीर पतर के साथ मिलकर बनाया था। अब सिंगर का आखिरी गाना धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस गाने के लिरिक्स में सिद्धू ने अपने जवानी में मरने का जिक्र किया है। इस गाने में सिद्धू मूसेवाला गाते हैं, ऐदा उठूगा जवानी विच जनाजा मिठिए। इसका मतलब है जवानी में ही जनाजा उठेगा। सिद्धू मूसेवाला महज 28 साल के थे। सोशल मीडिया पर सिद्धू के आखिरी गाने के वीडियो के भी चर्चे काफी हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि सिद्धू को गैंगस्टर ने जान से मारने की धमकी दी थी। सूत्रों की माने तो कनाडा बेस्ड गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने सिद्धू मूसेवाला की मौत की जिम्मेदारी ली है। मूसेवाला पंजाब के टॉप मोस्ट गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर थे। साल 2019 से सिद्धू मूसेवाला कनाडा के ब्रैम्पटन में रह रहे थे, लेकिन रविवार की शाम को अचानक खबर आती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ बदमाशों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।